नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीष पाटनी SCG हॉस्पिटल भावनगर में कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन के तौर पर कार्यरत हूँ। स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक होता है और स्ट्रोक के लक्षण को आप फास्ट FAST फास्ट की तरह याद रख सकते हैं। फास्ट में F का मतलब फेशियल एसाइमेट्री होता है, यानी कि मुंह का टेढ़ा हो जाना। E का मतलब आम, मतलब हाथ का नीचे गिर जाना होता है। अगर किसी को बड़ा स्ट्रोक होता है तो हाथ में पैरालिसिस यानी हाथ गिर जाता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को छोटा पैरालिसिस का अटैक होता है तो हम हाथ को सीधा करने के लिए बोलते हैं। जिस हाथ में पैरालिसिस का अटैक होता है तो हाथ नीचे की तरफ गिरता है, तो उसके इस तरह से पहचाना जा सकता है। S का मतलब होता है स्पीच डिस्टर्बेंसेस, यानी किसी भी व्यक्ति की आवाज़ एकदम से बदल जाना, यह भी स्ट्रोक का लक्षण है। T का मतलब होता है टाइम। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रोक के पेशेंट में। स्ट्रोक के पेशेंट के लिए 4.5 घंटे जो होते हैं उसे हम विंडो पीरियड या गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर 4.5 घंटे के अंदर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो हम उसे इंजेक्शन एल्टीप्लेज देते हैं, जिसे थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। और अगर किसी पेशेंट को अगर तुरंत 4.5 घंटे में इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। अगर ये सब सिम्टम्स किसी पेशेंट में मिलते हैं तो तुरंत पेशेंट को ऐसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए जहाँ न्यूरोफिजिशियन प्लस न्यूरोसर्जन यानी कि न्यूरो टीम अवेलेबल है। अभी रिसेंट में फास्ट के अंदर BE को भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ B का मतलब होता है बैलेंस। अगर कोई व्यक्ति चलते वक्त अपना बैलेंस नहीं बना पाता है तो वह भी एक तरह का स्ट्रोक है। E का मतलब आई। आई मीन्स अगर किसी व्यक्ति को अचानक आंख से दिखना बंद हो जाता है तो वो भी एक स्ट्रोक है। अगर आप किसी व्यक्ति में बी फास्ट के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत उसे ऐसे हॉस्पिटल में ले जाना है जहां न्यूरोक्रिटिकल केयर टीम अवेलेबल है। थैंक यू।